तो जनाब जैसा कि हमारा CSS कोर्स कंप्लीट हो चुका है और मैंने A to Z सारी CSS आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा दी, पर अब हम लोगों को इंटरव्यू की भी तो तैयारी करनी चाहिए कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और CSS में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनाब आज के दिन, आज हमारा लेक्चर नंबर 54 है और जनाब आज के दिन हम लोग यहाँ पे 50 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के नज़रिए से। अगर आप इन 50 MCQ क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका बहुत ही बेस मजबूत हो जाएगा और उसके बाद में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। अगर आप CSS के लिए या फिर HTML के लिए या फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब के लिए आप लोग जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो 10 वो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने, कोई 1, 2 या 5 जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड टॉपिक से आएंगे। तो 50 MCQ क्वेश्चन प्लस 10 आपके थ्योरिकल क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं और MCQ क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको क्या आंसर देना है और क्यों देना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इंटरव्यू में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब मैं आपको 50 MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इंटरव्यू के दौरान अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप तुरंत उसका आंसर दे लेंगे और 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो इंटरव्यू के दौरान पूछे ही जाते हैं। हो सकता है 10 में कोई 2 पूछे जाए, 5 पूछे जाए, फिर पूरे 10 पूछ लिए जाए, पर उनको आपको तैयार करके जाना है। तो कुल मिला कि इस एक वीडियो को देखने से ही आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाने वाली है। अब समय नष्ट नहीं करेंगे, फटाफट से खोल लेते हैं ब्राउज़र को। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर रखे हैं, एक वेबसाइट है उसी पे, ठीक है, टॉप एफ CSS MCQ क्वेश्चंस और ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप इनकी तैयारी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग तैयारी मतलब स्टार्टिंग करने वाले हैं। द फुल फॉर्म ऑफ CSS बहुत ही सरल है, उस तरीके से अगर किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से बता लेगा फुल फॉर्म ऑफ CSS क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और वो लोग आपको धोखा देने के लिए हो सकता है कि एक लेटर का भी अंतर कर दें, कहीं पे स्टाइल्स लिख दें, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना कि स्टाइल शीट होता है ना कि स्टाइल शीट होता है, ओके। तो ये चीज़ आपको बहुत नोटिस करनी है। यहाँ पर तो अलग अलग है पर वहाँ पे बस कास्केडिंग में भी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल स्पेलिंग पे भी ध्यान देना होता है। फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे, चेक आंसर पे करेंगे तो बिल्कुल ग्रीन हो गया, सही आंसर है, एक आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फीडबैक अपना दूंगा, 50 क्वेश्चन है तो कोई भी जरूरी नहीं कि आपको 50 के 50 आंसर आते ही हों। आपको समय के साथ जब आप प्रैक्टिस हो जाती तब भले आप 50 के 50 सही कर ले, पर स्टार्टिंग में कोई भी 50 सही नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे अभी ये सारे MCQs पहली बार आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे से भी 1-2 गलत निकले, तो उसमें कोई भी हड़बड़ाना नहीं है, अपना बेस्ट दे के आओ, अपना जितना बेस्ट दे सकते हो उतना दो, उसके बाद रिजल्ट पे आपको इतना मायने नहीं रखता है। अगली बार फिर ट्राई करेंगे और अच्छा देकर आएंगे, इस मोटिव के साथ हमेशा आगे बढ़ो। बाकी ये सब सरल क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करोगे, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी से चेंज किया जाता है, चेक आंसर पे क्लिक किया, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लोग बता भी देते हैं कि देखो थोड़ा सा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। हाउ कैन वी चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट लाइक पैराग्राफ, हेडिंग, उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो भैया कलर प्रॉपर्टी यूज होगी, चेक आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन CSS बी रिटन इन, मतलब CSS जो हम लोग लगाते हैं HTML पे या लिखते हैं कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो भैया 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो भैया हमने 3 पे क्लिक किया, चेक आंसर पे क्लिक किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ CSS इज द फॉलोइंग कोड स्निप्ट, ये जो कोड लिखा गया है इसमें किस टाइप की CSS लगाई गई है, तो भैया देखो यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगा है और यहाँ पे आपकी CSS प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट किस में लगता है, इनलाइन CSS में, बिल्कुल इनलाइन CSS पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ CSS इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग लार्ज वेब पेज, जब हम लोग लार्ज वेब पेज या वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पे किस टाइप की CSS को लगाना को रिकमेंड किया जाता है, तो भैया एक्सटर्नल CSS, अरे नहीं यहाँ नहीं लगना है, यहाँ पे एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS क्या होती है, जो अलग से हम लोग style.css वाली फाइल बनाते हैं उसको कहते हैं, चेक आंसर पे क्लिक किया, बिल्कुल सही। और आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, मतलब ये नहीं कि मैं करा रहा हूँ आप करते चल रहे सोचते चल रहे कि हाँ भैया ने सही किया, मेरे करने से पहले वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके समझो कि मैंने क्या बताया है और क्यों होगा, पहले अपने मन से जैसे अब ये क्वेश्चन है अब ये आप ही को करना है,
विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरनल CSS। अगर इंटरनल CSS लिखना है तो किस HTML टैग को यूज किया जाता है, स्टाइल टैग को, लिंक टैग को, स्क्रिप्ट टैग को कि या फिर किसी को नहीं। ठीक है, तो जल्दी से आप सोचिए मन में फटाफट से, फिर मैं आंसर बताता हूँ जल्दी से, और हो सके तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका यहाँ पे ABCD ना करना, इसका नाम बताना कि भैया स्टाइल यूज होता है कि लिंक यूज होता है कि स्क्रिप्ट की, नॉन ऑफ द अबाउ, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सोचिए जल्दी से बताइए। अगर किसी ने कहा लिंक तो बिल्कुल गलत है भैया, आपकी इंटरनल CSS की बात की गई है, तो इंटरनल CSS उसी आपके HTML पेज पे लिखी जाती है, तो उसमें स्टाइल आपका टैग यूज होता है। चेक आंसर पर क्लिक किया, बिल्कुल सही। हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक ID इन क्लास। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कि किसी भी एलिमेंट को ID की मदद से CSS में कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये किस चैप्टर का टॉपिक है। मैंने देखो CSS पूरा कोर्स बना रखा, CSS पूरी पढ़ा रखी है, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस है सबका 99% का आपको मैं पढ़ा रखा हूँ, सबका अपना अपना चैप्टर बना है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए एक हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे कोर्स को देखेंगे कि किस चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया गया है। तो आप देखो बात क्या की गई है कि हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक ID इन CSS। इसने कहा है कि किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिक ID द्वारा CSS में कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट का मतलब सिलेक्टर, ठीक है, ये सिलेक्टर है सारे आपके, तो सिलेक्टर का एक आपका टॉपिक बना हुआ है, आप उसको देखिए जाके आपको पता चल जाएगा कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं CSS में, और हम लोग ID को किस सिलेक्टर द्वारा सिलेक्ट करते हैं, तो वो होता है आपका हैश। ठीक है, इस पे हैश पे क्लिक करेंगे और हर चीज का आपका बाकायदा मैंने CSS में समझा रखा, हर एक चैप्टर बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको ना आए देख लो जाके अभी भी 100%। अगर मान लो उसमें टोटल 53 लेक्चर्स हैं मेरे हिसाब से, तो आप उनको अगर देख लेते हैं जाके तो आपकी इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, आप बिल्कुल मास्टरी करके पहुंचेंगे, धुआंधार आप इंटरव्यू देकर आएंगे और कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी देख डालो जाकर। ठीक है, चेक आंसर पर क्लिक किया, बिल्कुल सही है। हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास इन CSS। अब देखो वहां पे ID की बात हो रही थी, यहाँ पे क्लास की, तो क्लास कैसे यूज होता है सिलेक्टर में, डॉट की मदद से। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, चेक आंसर, बिल्कुल सही। हाउ कैन वी राइट एन कमेंट। अब भैया कमेंट कैसे लिखा जाता है सोच के बताओ, अगर CSS है मान लो, HTML में भी कमेंट होता है, CSS में भी होता है, सी लैंग्वेज में भी होता है, तो CSS में कमेंट कैसे होता है, तो CSS में आपको फॉरवर्ड स्लैश, स्टार, फिर स्टार, फिर फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो आपका एक कमेंट बन जाएगा, तो भैया इस तरीके होता है। चेक आंसर, बिल्कुल सही। आप देखो यहाँ पे आते हैं, इन द बिलो कोड स्निप्ड इन व्हाट ऑर्डर विल द मार्जिन बी एडेड। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है जो मार्जिन दी गई है, ये जो चार वैल्यू दी गई है 25, 50, 75, 100, ये किस ऑर्डर में दी गई है। अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इंटरव्यू में देखो होता क्या कि आदमी घबराने लगता है और घबराहट में उसको सही चीज भी गलत दिखने लगती है, जबकि मैंने उसको बहुत ही आराम आराम बताया कि पहली जो होती है वो टॉप की, दूसरी राइट की, तीसरी बॉटम की, चौथी लेफ्ट की, और कभी भी ना समझ में आए तो हाथ में घड़ी बांध के जाना सुई वाली और उसको देखना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सो इसी तरीके क्लॉकवाइज चलती है, तो ये क्लॉकवाइज देखना है, टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट, ये आपका होगा। चेक आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, कैन निगेटिव वैल्यूज भी अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। अब भैया पैडिंग क्या होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी शायद पैडिंग होती है। ठीक है, तो आपको अगर इसके बारे में समझना है तो CSS बॉक्स मॉडल सर्च कर लो, मैं आपको यहाँ पे CSS बॉक्स मॉडल सर्च करके दिखाता हूँ, उसको देख लिया करो, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मान लो इसी को खोल लो, ठीक है, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी ये देखो ब्लू वाली है वो पैडिंग है, तो पैडिंग को क्या हम लोग निगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, माइनस में बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, नो पे क्लिक करेंगे, चेक द आंसर, बिल्कुल सही। अब द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता किस एलिमेंट द्वारा, सॉरी किस प्रॉपर्टी द्वारा बनाई जा सकती है, भैया ओपेसिटी द्वारा। लाइक कभी ग्राफिक डिजाइनिंग करो तो कितनी ओपेसिटी रखते हो, अगर कम कर दोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ज्यादा कर दोगे तो सॉलिड हो जाएगा, तो भैया ओपेसिटी द्वारा होगा। चेक आंसर, बिल्कुल सही। हाउ कैन वी स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिटवीन ईच लेटर इन टेक्स्ट इन CSS। हम लोग जो भी CSS में कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें बीच में दूरी कैसे देंगे, तो बीच में मान लो कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस तो किससे मिलकर बना होता है, लेटर से मिलकर बना होता है, तो लेटर के बीच में जो दूरी दोगे तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करोगे। ठीक है, चेक, बिल्कुल सही। उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिफरिंग एन एक्सटर्नल CSS।
एंड एक्सटर्नल सीएसएस लगाने के लिए इनमें से कौन सा सिंटेक्स सही है। अब अक्सर दोनों देखो इनमें धोखा खाएंगे, कोई कहेगा स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, कोई कहेगा लिंक के अंदर। तो भैया जब भी एक्सटर्नल सीएसएस लगा रहे होते हो तो लिंक टैग के अंदर आपका यूज होता है टाइप एचआरईएफ और आरईएल, ठीक है। और इतना ध्यान रखो हेड टैग के अंदर की यूज किया जाता है। चेक आंसर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेज टू रिप्रेजेंट कलर इन सीएसएस। अब भैया कलर को अगर लगाना है सीएसएस के अंदर तो कौन कौन से सही रास्ते हैं जो दिए गए हैं। अ वैलिड कलर नेम, आरजीबी वैल्यू, हेक्सा वैल्यू और ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये सारे तरीके से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, चाहे एक नाम दे दे कलर का, चाहे आरजीबी वैल्यू दे दे, चाहे हेक्सा वैल्यू दे दे, ये सारे ही ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव करके चेक आंसर करेंगे, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सिलेक्ट ऑल H1 हेडर्स इन अ div एलिमेंट। भैया ये वाला, ये आपका एक एडवांस सिलेक्टर है, ठीक है, इसमें स्पेस लगता है और इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही। इसको कौन सा सिलेक्टर बोलते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये मैंने आपको एडवांस सिलेक्टर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया हुआ है, जाकर देखोगे तो सारे, ये वाला भी समझ में आ जाएगा, ये वाला भी समझ में आ जाएगा, जितने एडवांस सिलेक्टर है सब समझ में आ जाएंगे। वी कैन मेक राउंडेड बॉर्डर अराउंड एलिमेंट यूजिंग विद सी एस एस प्रॉपर्टी। सबसे पहले बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर, ठीक है, और राउंडेड बनाना है तो भैया राउंड कैसे कोई चीज बनती है, पहले तो वो रेक्टेंगल होगी, जब हम लोग उसकी रेडियस को कम करते जाएंगे तो वो राउंडेड हो जाएगी, तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज होगी। चेक आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। हाउ कैन वी सेट द मैक्सिमम विथ ऑफ द एलिमेंट कंटेंट बॉक्स यूजिंग सी एस एस। मैं हर देखो क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहो तो फटाफट से आंसर लगाता चलूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं सब कर दूँ, पर आपको समझ में आना चाहिए, मोटिव ये है मेरा। हाउ कैन वी सेट मैक्सिमम विथ ऑफ एन एलिमेंट कंटेंट बॉक्स यूजिंग। भैया कोई भी एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम विथ, अधिकतम विथ सेट करनी है तो मैक्स विथ प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, और ये चेक किया, ओके। आप देखो विथ सी एस एस प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल। आप कोई भी बॉर्डर लगा रहे हो तो अलग अलग बॉर्डर की स्टाइल होती है, डॉटेड होता है आपका, सॉलिड होता है, तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी यूज होगी। चेक आंसर बिल्कुल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइज द लुक एंड डिजाइन ऑफ एन आउटलाइन। तो भैया आउटलाइन की भी अलग अलग स्टाइल होती है तो आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सी एस एस पोजिशन प्रॉपर्टी वैल्यूज। तो भैया ये सारी ऑल ऑफ द अबाउ, स्टैटिक भी रख सकते हो, रिलेटिव भी रख सकते हो, फिक्स भी रख सकते हो। ये आपका किस में मिलेगा, ये डिस्प्ले नहीं पोजिशन वाले पे मिलेगा, जाके पोजिशन वाला चैप्टर देखो, उसमें सारी पढ़ाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, व्हाट डज द इनहेरिट वैल्यू फॉर ऑफ प्रॉपर्टी डू। इनहेरिट वैल्यू क्या करती है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, इनहेरिट की, इनहेरिट द वैल्यू ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, मतलब जो पेरेंट में कोई भी वैल्यू दी गई होती है उसको इनहेरिट कर लेती है, ले लेती है, ठीक है। तो ये वाला सही है, ओके। सेटिंग एन इनलाइन ब्लॉक इन सी एस एस रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर आपको इनलाइन ब्लॉक बनाना है किसी को, किसी एलिमेंट को, देखो बाई डिफॉल्ट जैसे डिव टैग होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। ब्लॉक मतलब जो अपना पूरी जगह गैप कर लेगा, दूसरे को नहीं आने देगा, पर उसको इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, तो भैया डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चेक आंसर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज टू कंट्रोलिंग द लेआउट। भैया लेआउट अगर डिजाइन करना है किसी भी आपके मतलब वेब पेज का तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। कलर तो यूज होगी नहीं, क्योंकि कलर से देखो आप उसको डिजाइन कर रहे हो पर लेआउट नहीं बना रहे हो। लेआउट क्या है कि कैसे दिखेगी, एक जिसे कहते हैं ना घर बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है, तो वही लेआउट बनाने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। चेक आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। अभी ये मैंने हाल ही में मतलब सीएसएस नंबर 52 या 51 के आसपास पढ़ाया था इसको। इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे तीन चीजें होती हैं बैकग्राउंड ओरिजिन के अंदर, कि आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो कहाँ से शो होगा। एक होता है कि पैडिंग बॉक्स, एक कंटेंट बॉक्स, एक बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर से शुरू होगा कि कंटेंट से, पैडिंग से शुरू होगा कि कंटेंट से शुरू होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी यूज होती है, क्योंकि बैकग्राउंड ओरिजिन की ही बात की गई है, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड ओरिजिन रिलेटेड है, तो देख लो यहाँ पे ये आपको प्रॉपर्टी भी रिलेटेड है, इस तरीके से हम लोग दे देंगे। अगर कब मान लो देखो आपको फैक्ट पता है कि बैकग्राउंड ओरिजिन से ही हम लोग बैकग्राउंड इमेज को डिसाइड करते हैं कि कहाँ से शो हो, तब तो डायरेक्ट लगा दूँ, नहीं तो आप वर्ड को मैच करो, ओरिजिन भी दिया गया है, बैकग्राउंड भी दिया गया है, तो देख लो मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके भी आप कर सकते हो।
ये क्वेश्चन है, हाउ आर कस्टम फॉन्ट डिफाइंड यूजिंग सीएसएस, कस्टम फॉन्ट्स कैसे लगा सकते हैं, लाइक गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट से अगर हम लोग फॉन्ट्स लगाना चाहें अपने वेब पेज के अंदर तो कैसे लगा सकते हैं। एट द रेट फॉन्ट फेस रूल, कस्टम फॉन्ट्स कैन नॉट बी डिफाइंड, क्या कस्टम फॉन्ट्स नहीं हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एसआरसी टैग, नन ऑफ द अबाउ, भैया ये तीन बिल्कुल गलत है, फर्स्ट वाले पे लगाओ, चेक आंसर बिल्कुल सही है। वीडियो लंबी बनेगी पर लास्ट तक देखना, जिसने लास्ट तक देख लिया उसके लिए वीडियो रामबाण हो जाएगी, एक ही वीडियो में आप काफी कुछ सीख जाने वाले हो, जो आप पूरे पूरे सीएसएस कोर्स देख के भी नहीं सीखे हो, भूल गए हो, वो सब रिविजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द सीएसएस बॉक्स मॉडल, इनमें से कौन सा सीएसएस बॉक्स मॉडल का पार्ट है। तो भैया अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था सीएसएस बॉक्स मॉडल, मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, मान लो इसको ओपन कर लिया इमेज को, ये सीएसएस बॉक्स मॉडल है, ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखता है, वैसे तो ऐसे दिखता है, ठीक है। मार्जिन भी है, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, इसमें क्या क्या दिया गया है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट नहीं दिया गया पर बाकी तीन दिए गए, तो भैया तीनों होंगे, ऑल ऑफ द अबाव। ये मेरे को आता था, मेरा कहना भैया आप वहाँ से देख के चीटिंग कर रहे हो, मैं आपको समझाने के लिए लेके गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सीएसएस बॉक्स मॉडल आर ट्रांसपेरेंट, भैया कौन से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो सीएसएस बॉक्स मॉडल में दिखते नहीं है। बॉक्स मॉडल क्या है, वेबसाइट का एक तरीके से ढांचा और दिखाता है कि किस तरीके वेबसाइट होती है। तो भैया आपका कंटेंट क्या नहीं दिखता है, क्या ये जो सब देख रहे हैं हमको नहीं दिख रहा है, भैया दिख रहा है, पर पैडिंग और मार्जिन नहीं दिख रही है कि दो चीज़ों के बीच में कितनी पैडिंग है कितनी मार्जिन है, तो वही दो एलिमेंट है जो नहीं दिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बॉथ ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, ओके। वाट विल बी विथ ऑफ द डिव एलिमेंट गिवन बिलो, ओके, डिव टैग दिया है, विथ दी है, पैडिंग दी है, बॉर्डर दी है, मार्जिन दी है, 310, 350, 360, विथ तो यार 310 दी गई है, तो फिर एक सेकेंड, वाट विल बी द विथ ऑफ द डिव एलिमेंट गिवन बिलो, ये कोड लिखने के बाद आपके डिव टैग की विथ क्या हो गई। अब यहाँ पे समझो, बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग, 90% लोग कहेंगे भैया 310 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ विथ दिया गया है 310, और तुरंत लगा के जैसे टिक करोगे गलत हो जाएगा। इन्होंने ये क्वेश्चन इतना मस्त पूछा, मेरा दिल छू लिया है क्वेश्चन, एक बार के लिए मैं भी 310 पे लगाने वाला था, पर मेरा दिमाग ठनका कि यार कोई इंसान इतना सरल थोड़ी क्वेश्चन देगा, कि उसने 310 विथ दिखा भी रखी है और 310 ऑप्शन में भी दे रखा है, ना हो ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा 360, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने पूछा है कि इस कोड लिखने के बाद डिव टैग की विथ कितनी होगी, ठीक है, तो सबसे पहले डिव टैग को सिलेक्ट किया गया है और विथ दे दी गई 310, ठीक है, जो हम लोगों ने विथ दी है। उसके बाद में इन्होंने पैडिंग दी है 20 पिक्सल, तो अब विथ क्या होती है, लेफ्ट और राइट मतलब चौड़ाई, ठीक है, लेफ्ट और राइट में चौड़ाई। तो अगर हम लोग 20 पिक्सल पैडिंग भी दिए हैं तो विथ के साथ पैडिंग भी इंक्लूड होगी, ठीक है, और 20 के दुगना होगी, क्योंकि 20 दुना 40, 20 लेफ्ट से और 20 राइट से, मतलब समझे कि एक बॉक्स है, बॉक्स से लेफ्ट से हम लोग ने 20 पिक्सल पैडिंग दी और राइट से 20 पिक्सल पैडिंग दी, तो टोटल 40 हो गई, और बाय डिफॉल्ट उसकी चौड़ाई कितनी थी, 310 पिक्सल, एक बॉक्स बनाया जिसकी बाय डिफॉल्ट 310 पिक्सल चौड़ाई थी, और पैडिंग में हम लोग ने 20-20 दे दी अगल बगल से, तो 40 हो गई, ओके। तो अब देखो 40 हो गई, तो 310 में हम लोग 40 जोड़ेंगे तो 350 होगी, तो बहुत से लोग कहेंगे भैया 350 अभी भी रुको। अब हम लोग ने देखो उस डिप टैग को बॉर्डर भी दिया है, जब बॉर्डर दे दोगे अगल बगल तो चौड़ाई और बढ़ेगी। अब एग्जांपल के लिए मान लो एक आप बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स से पैडिंग दे दोगे तो थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ेगी बॉक्स की, चौड़ाई बढ़ेगी, और उसमें टेप भी लपेट दो खूब सारा 5 पिक्सल का टेप, तो अगल बगल उसकी भी चौड़ाई तो बढ़ेगी, तो टोटल देखो 5 पिक्सल लेफ्ट में और 5 पिक्सल राइट में, मतलब 10 पिक्सल हुए, और 20, 10, 30 और यहाँ पे सॉरी 40, 10, 50 और 50, 10, 60, तो 360 पिक्सल होगी, लिख के ले लो, यही आंसर सही होगा, नहीं होगा मैं सीएसएस पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखा तो मतलब समझ रहे हो ना कि इस तरीके से ऐसे धोखा दिया जाता है, अगर थोड़ा सा मैं दिमाग ना लगाता तुरंत 310 या 350 पे करता, गलत हो जाता। ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट मात खा जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे कि क्या चीज़ कही गई है, कोई चीज़ है उसमें जब पैडिंग और बॉर्डर भी आपका इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, उसकी जगह जो वो जगह घेर रहा होगा वो बढ़ जाएगा। अब मार्जिन इन्होंने 0 रखा है, बस गलीमत इस बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओके, इन्होंने सॉल्व भी दिया है, ओके, तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगा इस वेबसाइट के, इन्होंने सॉल्व दिया है, देखो विथ दिए 310 पिक्सल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने पैडिंग दिया है लेफ्ट और राइट में, बिल्कुल, अब लेफ्ट में 20, ठीक है, और राइट में 20, तो आपका 20 दुना 40, ठीक है, फिर प्लस किया, फिर उन्होंने क्या दिया है, बॉर्डर, ओके, तो लेफ्ट में मान लो 5,
ठीक है, ये लेफ्ट में 5 और फिर राइट में भी 5, ठीक है, तो 5 × 2 = 10, तो 20, 40, 10, 50 और 50, 10, 60, 360। अगर देखो यहाँ पे मार्जिन 0 है, यहाँ पे मार्जिन होती तो भी इंक्लूड कर दी जाती। बिल्कुल, इन्होंने आंसर का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड विथ CSS लिस्ट। CSS लिस्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इनमें से। सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम्स मार्कर्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम्स मार्कर्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। एक इमेज द लिस्ट आइटम मार्कर, ये भी ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। भैया लिस्ट, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप्स ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। लिस्ट स्टाइल टाइप होगा मेरी समझ से, हाँ ठीक है, क्योंकि इसने कहा लिस्ट आइटम टाइप। देखो लिस्ट आइटम टाइप, 3 वर्ड मैच कर रहे हैं, और यहाँ से भी देखो वही चीज़ है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, ऐसे होगा। ओके, अब व्हाट वैल्यू शुड बी पास्ड टू द विड्थ पैरामीटर इफ वी वांट एन एलिमेंट से अ टेबल टू स्पैन द इंटायर विड्थ ऑफ द स्क्रीन। मतलब समझ रहे हो ना कि कोई एक एलिमेंट हो जो पूरी स्क्रीन को, इंटायर स्क्रीन को ग्रैप कर ले, ऑक्यूपाई कर ले। तो भैया जब हम लोग विड्थ में 100% दे दें, कोई भी वैल्यू परसेंट में दे देंगे, तो पूरी स्क्रीन की मतलब चौड़ाई को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये परसेंट में दी गई, पिक्सल में होती तो कम होता, परसेंट में क्या है, पूरा 100% ले लो, 50% आधा ले लो, ठीक है, तो 100% होगा। चेक आंसर सही है। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट इन CSS। भैया टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए लेफ्ट राइट सेंटर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अप्रोच टू मेक अ टेबल रिस्पॉन्सिव। कोई भी टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इनमें से कौन सा मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसका सही अप्रोच है, मतलब कौन सी हम लोग चुने जो सही अप्रोच होगी, सही चुनना होगा किसी भी टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो भैया अगर किसी को ऑटो कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, जाहिर सी बात है, तो ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। एडिंग अ कंटेनर एलिमेंट लाइक डिव विथ ओवरफ्लो ऑटो अराउंड द टेबल एलिमेंट विल मेक इट रिस्पॉन्सिव, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब कोई 3 एलिमेंट है मान लो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर अगर हमको थर्ड वाले को फर्स्ट बनाना हो, सेकंड वाले को सेकंड ही रखना हो, और फर्स्ट वाले को थर्ड बनाना हो, तो हम लोग उसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ऑर्डर को चेंज करने का काम जेड इंडेक्स करता है जनाब, ठीक है, तो जेड इंडेक्स पे लगाइए आप, और चेक आंसर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी क्रिएट्स अ क्लिपिंग रीजन एंड स्पेसिफाइज द विजिबल एरिया ऑफ एनी एलिमेंट। भैया क्लिप पाथ, चेक आंसर बिल्कुल सही है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ CSS सूडो एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूडो एलिमेंट से आपका अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ CSS सूडो एलिमेंट। तो भैया सबसे पहले स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोई पर्टिकुलर पार्ट को स्टाइल करने के लिए सूडो एलिमेंट यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, स्टाइल द फर्स्ट लेटर ऑफ लाइन ऑफ एन एलिमेंट, बिल्कुल किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन को स्टाइल करने के लिए भी हम लोग सूडो एलिमेंट यूज करते हैं। लाइक पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन अगर हमको रेड कलर से करना है तो हम लोग पैराग्राफ पर सूडो एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है। इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर द एलिमेंट, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव जाएगा, ठीक है। ओके, हाउ कैन वी सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट इन CSS। एट्रीब्यूट के साथ कोई भी एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, तो फर्स्ट वाला होगा। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट्स इन CSS। भैया ये ठीक है, तो बहुत ए ओ बी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों यूनिट आपकी लेंथ में आएंगी। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हो चुका है 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 और बच्चे हैं, फटाफट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट्स ऑफ रिलेटिव लेंथ। रिलेटिव लेंथ के लिए कौन कौन सी यूनिट्स इनमें से यूज होती हैं। लाइक एक पर जैसे पिक्सल्स होता है, उसी तरीके आपका EM, RM, VMAX भी होता है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो CSS यूनिट्स नाम से एक चैप्टर बना है, उसको देखिए जाके, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ऑल ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे, चेक आंसर, वेरी गुड। ओके, व्हाट पैरामीटर दस तक कॉल कैलकुलेशन फंक्शन इन CSS टेक। अच्छा, कैलकुलेशन फंक्शन किस पैरामीटर मतलब क्या लेता है आखिर इसमें CSS में। तो भैया अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेता है, बिल्कुल सही बात है।
कोई भी कैलकुलेशन जो करनी होगी, जो मैथमेटिकल आपका एक्सप्रेशन होता है वो आपका कैलकुलेट फंक्शन में आता है। चेक द आंसर, बिल्कुल सही है। हाउ कैन वी एड मोर इम्पॉर्टेंट टू अ प्रॉपर्टी वैल्यू देन नॉर्मल। देखो इसमें क्या कहा गया कि जैसे कोई प्रॉपर्टी लिखी गई है तो उसका अपना एक हायरकी होती है कि आईडी सबसे ज़्यादा, देखो मैंने बताया था, पावरफुल होती है, फिर क्लास, फिर एलिमेंट सेलेक्टर। पर अगर हम एलिमेंट सेलेक्टर पे इम्पॉर्टेंट लगा दें, ठीक है, तो हमारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट कैसे लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इम्पॉर्टेंट लिखा जाता है। तो ये है आपका, इसके ऊपर भी वीडियो बनी है, जाकर देख सकते हैं। चेक आंसर, विच सी एस एस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड क्लिप। ओके बैकग्राउंड क्लिप, देखो एक सेकेंड, बैकग्राउंड, ओके हाँ बैकग्राउंड। तो इसमें क्या कहा गया है कि पेंटिंग एरिया, पेंटिंग एरिया मतलब जिसमें कलर हो। तो अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज हो नहीं सकता, बैकग्राउंड इमेज हो नहीं सकती है, बैकग्राउंड क्लिप होगा। और बैकग्राउंड क्लिप में मोस्टली तीन वैल्यू होती हैं जो बैकग्राउंड ओरिजिन के साथ भी यूज होती हैं। पहला कि आपका पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है, कल या परसों में, तो जाकर देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझाया, समझ जाओगे कि बैकग्राउंड क्लिप क्या है, कैसे यूज होती है सीएसएस कोर्स के अंदर, ठीक है। चेक आंसर, बहुत सही। और देखो जो जो मैंने पढ़ाया है सब चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने पढ़ाया हो पूछा ना गया हो, फालतू में पढ़ाया हो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन सीएसएस। ग्रेडियंट क्या होता है, तीन कलर का मिक्सचर होता है पर स्मूथली मिक्सचर होता है, मतलब येलो से पिंक, पिंक से ब्लू, बहुत ही स्मूथली गया होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ी होगी ग्रेडियंट इमेज, मैं दिखाता हूँ आपको ग्रेडियंट, ये इसको बोलते हैं ग्रेडियंट कलर, ठीक है। इसमें देखो येलो से पिंक, पिंक से ब्लू जो हुआ है इसको ग्रेडियंट कलर बोलेंगे, पर देखो कितना स्मूथली मिक्स हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो कितने तरीके के ग्रेडियंट होते हैं, जो ये वाला मैंने आपको दिखाया है ये आपका लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है, लाइन से। और एक होता है आपका रेडियल ग्रेडियंट, वो सर्कल टाइप का होता है। और कॉनिक ग्रेडियंट भी होता है पर इसका मैंने नाम नहीं सुना है, पर होते तीनों है, ये है। ऑल ऑफ द अबव पर क्लिक करेंगे, चेक आंसर, बिल्कुल सही। विच सी एस एस प्रॉपर्टी यूज टू क्रिएट एन इमेज रिफ्लेक्शन। इमेज रिफ्लेक्शन बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इमेज रिफ्लेक्ट की बॉक्स रिफ्लेक्ट, इमेज रिफ्लेक्ट होगी जहाँ तक, ये गलत हो गया, ठीक है, बॉक्स रिफ्लेक्ट होगी। भैया यार हम लोग भी टीचर हैं, भगवान नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल याद रहेगी। एक दो क्वेश्चन मैंने कहा था गलत होंगे, बॉक्स रिफ्लेक्ट होगी, पर मैंने जल्दी थोड़ा किया, मुझको समझना चाहिए कि जो भी एक चीज़ होती है उसको एज अ बॉक्स देखा जाएगा और उसका रिफ्लेक्शन बॉक्स रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी ही होगी, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड इज इक्वेलेंट टू विच आरजीबी वैल्यू। किस आरजीबी वैल्यू के बराबर है ट्रांसपेरेंट कीवर्ड। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अल्फा, आरजीबी ए, तो तीनों आरजीबी ए हैं। पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू 00 है, मतलब बिल्कुल वाइट, और चौथी जो ए है, ए वैल्यू अल्फा, तो ये भी 0 है। तो इसका मतलब यही होगा, अगर देखो 0 है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, 0.1, 0.2 ऐसे करके 1 तक, 1 मतलब फुल सॉलिड कलर दिखना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखा है आपको आरजीबी, ठीक है। वार फंक्शन यूज टू इंसर्ट अ वैल्यू ऑफ अ सीएसएस वेरिएबल, वार फंक्शन, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत ही आसानी से। व्हाट इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ राइटिंग एंड वार फंक्शन, भैया ये फर्स्ट वाला, नेम और वैल्यू दोनों दी जाती हैं, ओके। हाउ मैनी लेआउट मोड्स वर देयर बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉडल वाज इंट्रोड्यूस इन सीएसएस। फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉडल आने से पहले किन मॉडल्स, किन मोड्स को, लेआउट मोड्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था सीएसएस में, ओके। ये मैंने पढ़ा हुआ है, कितने, 3 थे कि 4 थे, मेरी समझ से 4 थे, ठीक है, 4 थे, ओके, बिल्कुल सही। तो ये हम लोग ने 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हल कर लिए हैं जनाब, और सिर्फ एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, वो भी हमारी जल्दबाजी की वजह से, ये वाला मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने सिर्फ रिफ्लेक्ट पढ़ा और इमेज पढ़ा, और इसकी वजह से यहाँ पे गलत हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, देखो यार कोई भी इंसान भगवान नहीं होता है कि इसको सब चीज़ें आती हो, मतलब आती हो सकती हैं, पर जल्दी जल्दी में हर किसी से, देखो मैथ के टीचर से भी आप अगर मैथ का पेपर सॉल्व कराएंगे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जरा सी भी मिस्टेक होना, क्योंकि इंसान है यार, उनकी भी कैलकुलेशन या कोई भी लिखने में गड़बड़ी हो सकती है। पर यहाँ पे मुझको ये याद नहीं आ रहा कि फ्लेक्स बॉक्स आने से पहले, जो फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉडल थे, मॉड्यूल था, उसको आने से पहले कौन कौन से मोड्स थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते क्या है, कर लेते हैं कॉपी और उसको हम लोग गूगल पर सर्च करके देखते हैं ना जनाब। तो गूगल पर क्या होगा कि ओके, आजकल ये हो क्या रहा है, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है हिस्ट्री में, पता नहीं यार। 4 लेआउट्स मोड्स थे, ये तो यार मैंने भी पढ़ा है, पर कौन कौन से थे। बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वार 4 लेआउट्स मोड्स, ब्लॉक, इनलाइन, टेबल, पोजिशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
आप देखो ये भी इनमें से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से थे, तो इनको याद कर लो, ब्लॉक था, इनलाइन था, टेबल था और ये आपका पोजिशन था, ठीक है। इसका आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज अ एमसीक्यू में तो नहीं पर डायरेक्ट में पूछ सकते हैं। तो हम लोग हमेशा जिज्ञासु रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता नहीं है या फिर आता आधा तो उसको पूरी तरीके से चेक करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब वो आपको 10 क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको रखा हुआ है, उसको खोल लेते हैं, 10 क्वेश्चंस एक एक करके समझते हैं और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी इन सीएसएस, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है सीएसएस के अंदर, बहुत ही आसानी से पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देखिए। स्टार्टिंग में ही दूसरे तीसरे नंबर का सीएसएस वीडियो उसमें समझा रखा है। कैन यू एक्सप्लेन द बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, बहुत सरल है, बॉक्स मॉडल सीएसएस क्या होता है हम लोग उसमें ये देखते हैं, मार्जिन, फिर उसके बाद बॉर्डर, फिर पैडिंग, फिर कंटेंट, इस तरीके से होता है और क्या होती है ये सब चीज़ें, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, बॉक्स मॉडल वाला वीडियो देखना जाके। व्हाट आर सूडो क्लासेस, सूडो क्लासेस क्या होती हैं, ओके सूडो क्लासेस है तो सूडो एलिमेंट भी पढ़ लेना, कभी कभी पूछते हैं सूडो एलिमेंट और सूडो क्लास में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों के ऊपर वीडियो बनी है, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंस वेज टू अप्लाई सीएसएस टू अ वेब पेज, अभी बताया था तीन तरीके होते हैं, ठीक है। हाउ डू यू कैन सेंटर एन एलिमेंट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन सीएसएस, बहुत सरल है, ना पता हो कॉपी करो, जाकर डालो आपको गूगल पे आ जाएगा, और आपको अच्छे से पढ़ना हो तो जाकर सीएसएस पे जाओ, अभी हाल ही में मैंने उसको पढ़ाया है, समझ में आ जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन द सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ये तीनों के ऊपर डिस्प्ले प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चैप्टर बना है, उसको अच्छे से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। सातवें नंबर देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, यहाँ पे थे हमारे टोटल 6। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू यू यूज सीएसएस मीडिया क्वेरीज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन, सीएसएस में मीडिया क्वेरी क्यों यूज की जाती है या फिर कैसे की यूज की जाती है, हाउ डू यू यूज, आप कैसे यूज करेंगे सीएसएस मीडिया क्वेरीज को एक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, इसको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डू यू यूज सीएसएस ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ये दोनों पे एक चैप्टर बना है, ट्रांजिशन पे एक चैप्टर बना है और एनिमेशन पे भी एक चैप्टर बना है, बहुत ही अच्छे से क्लियर है, पढ़ लो आप इसका आंसर जान जाओगे। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन, क्या यार बहुत सरल है, आपको पैडिंग एंड मार्जिन पे भी वीडियो मिल जाएगी और एक सीएसएस बॉक्स मॉडल है उसको देख लेना, तीनों पे देख लोगे तो बिल्कुल इन पे पकड़ बन जाएगी और आप आराम से बता पाओगे पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। हाउ डू यू यूज सीएसएस ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स फॉर लेआउट, आप सीएसएस ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स को वेबसाइट के लेआउट के लिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो सीएसएस ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स, मैं ये जानता हूँ सीएसएस के अंदर सबसे बड़े टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में आपको बहुत आराम आराम पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लेके पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बार की वीडियो में आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे खुद पढ़ने में इनमें टाइम लगा था। फ्लेक्स बॉक्स भी अपने आप में काफ़ी लार्ज है और सीएसएस ग्रिड तो हाई है, ठीक है, पर अगर इनको एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, लाइफ टाइम के लिए आपकी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सीएसएस ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स को मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाया हुआ है और सीएसएस ग्रिड के अंदर तो एक ऐसी टेक्निक बताई है मैंने जो आपको बहुत ज़्यादा काम को सरल बना देगी। आई होप आप नीचे सीएसएस कोर्स में विजिट कर चुके होंगे या फिर कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे जाके, कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कंप्लीट डाल रखा है, इसलिए मैं सिर्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, भी अपनी चीज़ का, किसी दूसरी चीज़ का नहीं। तो जनाब ये वीडियो कैसी लगी, जहाँ पर मैंने 50 MCQs कराया और 10 आपको मैंने क्या दिए, 10 मैंने आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन दिए जो पूछे ही जाते हैं। तो जनाब इनकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनका आप पढ़ सकते हैं। तो जनाब इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो पसंद आई हो, हम लोग की मेहनत दिख रही हो तो आप लाइक करना, प्लीज़ लाइक करना, जिससे हम लोग को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोज एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। मात्र करेक्ट 2 दिन बाद से हम लोग सी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैं इस डेट को अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन बाद से, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।